चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और किसी को भी नहीं पता था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक दिन किसान मसीहा और किसानों के नेता होंगे। के बाबा टिकैत ने कहा कि बैठो और सारे काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने जिम्मेदारी छोड़ करके आप लोग उसमें जुटे। साहब बड़ा साहब कहते थे, आपको बड़ा साहब कहता है ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात। चौधरी चरण सिंह ने तो हमें डूबने से बचाया, महेंद्र सिंह टिकैत ने हमें तैरना सिखाया। आज जो यहाँ इतनी भारी संख्या में जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कारण है वो, क्यों इतने? आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 67वीं जयंती है। जी। आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1935 में चौधरी चोल सिंह के यहाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म हुआ था। जितने ढोल नगाड़े आज बज रहे हैं ना, उस दिन भी इतने ढोल और नगाड़े बजे थे। और किसी को भी नहीं पता था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक दिन किसान मसीहा और किसानों के नेता होंगे। सन 1987 में सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ, तो खेड़ी कर्म किसान आंदोलन हुआ बिजली घर पे, वहीं से भारतीय किसान यूनियन बनी और महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता बने। बाबा टिकैत, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता, मासूमियत ही कहोगे उसको, भावनाओं को, के बाबा टिकैत ने कहा कि बैठो और सारे काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने जिम्मेदारी छोड़ करके आप लोग उसमें जुटे। ये मासूमियत थी, ये एक ईमानदारी थी, ये एक जुनून था। आदरणीय गुलाम मोहम्मद जी को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। यहीं इसी स्थान पे मेरी उनकी आखिरी भेंट हुई थी और आप सबको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लड़ाई जारी रखनी है। उन्होंने नारा दिया था अल्लाहू अकबर हर हर महादेव। हाँ। वो कितना चलाया, अब भी वो नारा जिंदा। हाँ, है जिंदा है अभी वो नारा। जो उनके लिए सब कौम बराबर है, 36 कौम बराबर है उनके लिए। हम सब एक हैं, 36 बरादरी एक है, ये मुट्ठी एक है, क्या कहते हैं इसको, बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो तमाचा मारेंगे गवर्नमेंट के और खाक में मिला देगा ये किसान। हमें वो दिन याद है और आज के हालात ये है, जिसे आप बड़ा साहब कहते थे, आपको बड़ा साहब कहता है ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात। पर ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी सरकार में निगाह, सरकार के किनारे निगाह, सरकार ने बहुत चाहा, सब सरकारों ने चाहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को राज्यसभा दे दी जाए, परंतु वो कभी सरकार में न जा करके, सरकार से बाहर बैठ करके उस आदमी ने खेत में खुरपा लेकर नुड़ाते हुए हमारे स्वाभिमान को जिंदा रखा और हमारे संस्कारों को बचाने का काम किया। भाई आप लोग ने सब ने सहयोग करा से उसमें, सब तरह के भोजन, किसी ने हलवा खीर जो कुछ भी लोगों तक बना वो करा। आज किसान बारूद के ढेर पे है भाई, आप लोगों की वह बात समझदारी सूझबूझ तक किस तरह से काम चलेगा कुकर वो होगी। हम तो यही कहे भाई, ठीक ठाक सब ठीक ठाक रहो और अपने इनका बड़ू का सम्मान करो भाई। देखे तीसरी पीढ़ी चौधरी चरण सिंह जी की, तीसरी पीढ़ी आप लोगों के बीच में खड़ी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह। अच्छा अच्छा जिंदाबाद टिकैत। जिस तरीके से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भारतीय किसान यूनियन को चलाया और संगठन, तो क्या आगे भी उस तरीके से ही चलती रहेगी? उससे भी ऊंची जाएगी। बच्चे जो हैं ये बहुत ही कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लोगों को जोड़ के चलते हैं, सम्मान करते हैं। और बुजुर्ग से सुना था, चलो हम भी बच्चे थे जब, तो जब चौधरी चरण सिंह का नाम होता हुआ किसान मसीहा है, चौधरी चरण सिंह ने तो हमें डूबने से बचाया,
महेंद्र सिंह टिकैत ने हमें तैरना सिखाया।